बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहज़ाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए का अच्छी आदतें, यानी कि वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए और जिसको अपना कर हम एक अच्छे बच्चे भी बन सकते हैं और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। तो पहली आदत जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, सुबह सवेरे उठना, यानी कि सुबह जल्दी उठना। उठकर हमें नमाज पढ़नी चाहिए। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारे बहुत से काम वक्त पर ख़त्म हो जाते हैं। जितना हम देर से उठेंगे उतने सारे हमारे काम जो हैं वो डिले का शिकार होंगे। देर से उठेंगे, देर से नाश्ता करेंगे, देर से तैयार होंगे और देर से स्कूल पहुंचेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो वक्त पर अच्छे तरीके से बैठकर नाश्ता करेंगे, नहा धो कर अच्छे साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएंगे और टाइम पर स्कूल पहुँचेंगे, हमें देर भी नहीं होगी। फिर अगली अच्छी आदत क्या है? दांत साफ़ करना। बीइंग अ मुसलमान, हम सब के लिए सफाई निस्फ ईमान है। हम सबको चाहिए कि हमने दिन में दो दफ़ा अपने दांत लाजमी साफ करने हैं। और वो दो दफ़ा कौन सी हैं? एक दफ़ा सुबह उठकर और एक दफ़ा रात को सोने से पहले। इस तरीके से हमारे मुंह में जरासीम नहीं आते और हमारे दांतों पे कीड़ा नहीं लगता और हमारे दांत भी ख़राब नहीं होते। और सबसे बढ़कर बात, हमारे दांतों से और हमारे मुंह से जो बदबू होती है वो बदबू नहीं आएगी। नाखून तराशना, नाखून तराशना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? नाखून लंबे होंगे तो उनमें मैल आएगी, गंद जमेगा, उन मैल और उस गंद से जरासीम आएंगे। जो जरासीम जब हम उसी हाथ से जब खाना खाएंगे तो वो खाना के साथ जरासीम हमारे मुंह के ज़रिए, हमारे हाथों के ज़रिए हमारे पेट में जाएंगे और फिर हम बीमार हो जाएंगे। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमें लग सकती हैं। तो सफाई से रखनी है, नाखून को तराशना है। अगली, सलाम करना। जब भी किसी से हमने मिलना है, हमने क्लास के अंदर जाना है, हम कोई हमारे घर आता है, कोई टीचर क्लास में आती हैं, कोई आया जी क्लास में आती हैं, तो हमने उनको सलाम करना। और सलाम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अस्सलामु अलैकुम कहना। और सलाम का जवाब कैसे देते हैं? वालेकुम अस्सलाम कह के। पांचवें नंबर पे क्या अच्छी आदत है? किसी के काम आना, यानी कि अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। इसको कहते हैं किसी के काम आना। और किसी की मदद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी चीज़, अगर किसी के पास कोई, आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है आपका कोई हमजमात जिसके पास पेंसिल नहीं है या रबर नहीं है, आप उसके साथ अपनी पेंसिल या अपनी रबर शेयर कर सकते हैं। कोई लंच लाना भूल गया तो आप उसके साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं। कोई, किसी को चोट लग गई है वो गिर गया तो आप उसको अपना, किसी को चोट लग गई है वो गिर गया है तो आप उसको अपना हाथ देकर उसको उठने में मदद दे सकते हैं। मदद करने के और किसी के काम आने के बहुत से तरीके हैं। ये सिर्फ दो तीन तरीके थे जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी हैं। नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर दिन में 5 दफ़ा नमाज फ़र्ज़ की है और नमाज को वक्त पर पढ़ना ज़रूरी है। तो एक अच्छे मुसलमान होने के लिए, एक अच्छे बच्चों को, बच्चा बनने के लिए हमें जिस आदत को अपनाना है वो आदत है नमाज पढ़ना भी। तो अब देखते हैं गौहर उर्दू कायदा नर्सरी का सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12 पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छी आदतें हैं सारी जो भी हमने पढ़ी हैं। सुबह सवेरे उठना, दांत साफ़ करना, नाखून तराशना, सलाम करना, किसी के काम आना, नमाज पढ़ना। हमेशा याद रखिएगा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के लिहाज से सफाई हमारा निस्फ ईमान है। तो हमें सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा कर, दांत साफ कर कर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, कंघी करने चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने दिन भर हमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं हम वो नमाज़ें पढ़ें, अपने बुज़ुर्गों का अदब करें, एहतराम करें, छोटों से प्यार से पेश आएँ और कभी भी किसी के साथ कोई भी बदतमीज़ी ना करें। और इससे भी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने स्कूल को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को और अपने कमरे जमात को साफ़ रखें। ये सब वो अच्छी आदतें हैं जिसको हम अपना कर अच्छे बच्चे बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।